Hi, Phong. Okay, very good evening, smarties. Welcome back in your usual session. Before I start anything, just let me tell you if I'm audible and visible. Okay? So, ठीक है. और आई थिंक ऑल इज वेल नाउ. प्लीज कोई मुझे बताए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा. आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, राइट? कोई तो बताओ यार गुरु. ठीक है, इफ ऑल इज वेल प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, शशि ब्रिज इज सेइंग शत्रुघ्न. ओके, थैंक यू वेरी मच. लेट्स बिगिन द सेशन जेंटलमैन. लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले एक वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप सबको पता हो गया, एक बुरी न्यूज है. बुरी न्यूज ये है कि आज लोकसभा जो कमीशन अपना बना है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो बना है नया, उसमें कुछ कंडीशंस आ गई हैं एज लिमिट को लेकर के. और दैट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. आई गॉट मेनी कॉल्स एंड वन कॉल फ्रॉम लखनऊ एज वेल. मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे स्टूडेंट कहूँगा तो कम अच्छा रहेगा, मैं उनको अपना फ्रेंड ही मानता हूँ. और बड़े जानकार हैं और एक अच्छे संस्थान में पढ़ाते भी हैं. मैंने कहा सर एज लिमिट का मामला आ गया कि अब जो ये पीजीटी बनने के लिए जो लेक्चरर की इमेज से 21 से 40 साल कर दिया गया, पहले ये 60 साल हुआ करता था. इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है. तो आपको एज अ कैंडिडेट, अब कहोगे सर बनने के लिए तो उम्र पड़ी है, अलग बात है. कभी कभी क्या होता है, टीचर वो लोग भी बनते हैं जो कुछ समय तक सिविल दिए रहते हैं, किसी कारणवश नहीं होता तब वो अपना रूट डाइवर्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये प्रतिबंध जो है 40 साल वाला कम अच्छा है, पहले वाला ही सही था. तो जो लोग नहीं है, और जो मान लो पाँच, ये प्रतिबंध तब लगाइए ना जब आप हर साल वैकेंसी दो ना. अब एक बार निकाल दे तो 5 साल पर वैकेंसी ही नहीं आती. अब फिर कहोगे एज ओवर एयर ओवर एज हो गया. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस ना. इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम माई पार्ट, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी. मुझे तो अपीयर होना नहीं है, बट एज लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट था मुझे कम अच्छा लगा. और लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अपने ढंग से देखिए क्या करते हैं सरकार. आप लोग अपनी बात रखिएगा. अब भाई दे आर पॉलिसी मेकर्स और माइट इज राइट का वो सदियों पुराना जमाना रहा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ. हालांकि आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि गॉड, इफ गॉड क्लोजेज वन डोर ही ओपन से अनदर. बट आपको काम अच्छे करते रहना है. काम मतलब योर फेथ कैन जस्ट मूव अ माउंटेन, वो बाइबल में लिखा है, अलग बात है. लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना. बहुत निराश होके भी क्या करेंगे. अगर निराश होने से, अगर आपके रोने से चीज़ें हल हो जाएं तो ठीक है ना. तो हंसते रहा करो. वो निदा फाजली का शेर है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, कि हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, हंसते हुए चेहरे से है बाजार की जीनत, रोने की वैसे भी यहाँ फुर्सत नहीं मिलती, और दिल में न हुजरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती. तो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आएगा. और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा देश के मनीषियों को, कम से कम उत्तर प्रदेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचना चाहिए. हर साल एक तो वैकेंसी नहीं आती, दूसरी बात कि फिर एक बच्चा आज फॉर्म डालता है, मान लो 35 साल की उम्र में है, 6 साल बाद वैकेंसी दी तो इसे ओवर एज हो गया ना. इसमें थोड़ा सोचना चाहिए. बाकी आप सब लोग हैं, सवाल अच्छा है, कुछ बातें जरूर बताऊंगा, गहरी भी बताऊंगा, अच्छी भी बताऊंगा. अच्छे बना रहना जरूरी है. चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ मिल्टन ऑफर्स अ फर्वेंट प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस. शायद पहला था फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, एक सवाल आपसे जनरल पूछ ले रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही गई है, कि मतलब जिसमें प्रेस की फ्रीडम भी आती है. आप लोग लिख के बताइए, वो एक सवाल सीधा आपके एग्जाम में बनेगा. कॉमर्स है
पैराडाइज रीगेंड है, सैमसन एग्निस्ट है, एरोपजिटिका है, ये एक पोलेमिकल ट्रैक्ट है। आपको बता दूं पोलेमिकल एक आर्गुमेंटेटिव ट्रैक्ट, प्रोज ट्रैक्ट है। और सैमसन एग्निस्ट की बात भी करेंगे हम और पैराडाइज रीगेंड की भी बात करेंगे, ठीक है। ये तो दोनों साथ में ही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एजेस लिख रहा हूँ उसका मतलब, ईयर लिखने का मतलब कभी कभी आपको वो हेल्प करती है बताने में। तो ये पैराडाइज रीगेंड हो गया और पैराडाइज लॉस्ट हो गया, पैराडाइज री। और एरियोपजिटिका की बात करेंगे, एरियोपजिटिका इज द राइट आंसर, यू ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर। देखो ये राघव और ये सब बता रहे हैं, श्वेता कह रही है कि आर्टिकल 19, काजल कह रहे हैं आर्टिकल 19, थैंक यू, बड़ी अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस इसी को कहते हैं कि मतलब आपको यही नहीं पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। बींग एन इंडियन यू मस्ट नो बिलीव इन अ कंपोजिट कल्चर। हम एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, हमारा कोई कल्चर एक है ही नहीं, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दिस कंपोजिट कल्चर। इफ इंडिया इज लाइक दिस देन इंडिया इज लाइक ऑल्सो दैट, शशि थरूर कहते हैं अपनी किताब में। शशि थरूर साहब की एक किताब है, नॉन फिक्शन की है, 2007-08 में आई थी, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेलफोन किताब का नाम है। उसमें वो कहते हैं कि इंडिया इज नो मोर इंडिया, इट हैज़ बिकम इंडियाज, भारत अब भारत नहीं है, भारत कई भारत हो गया है। एनी ट्रूइज्म अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया कैन इमीडिएटली बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाई अनदर ट्रूइज्म, इंडिया ऑफ लाइट एंड इंडिया ऑफ डार्कनेस, वो जो अरविंद अडिगा बात करता है, लगभग वही बात उसी दौर में आती भी है। तो भारत के बारे में कोई भी चीज़ सच हो सकती है, ठीक उसी समय वो बात दूसरे परिप्रेक्ष्य में गलत भी हो सकती है। खैर, आई फील माई सेल्फ टू टाइनी टू स्पीक एनीथिंग ऑन आइडिया ऑफ इंडिया, बट आई कैन स्पीक एक्सटेम्पोरी, मतलब आई कैन स्पीक एट स्ट्रेच फॉर लॉन्ग ऑन दिस टॉपिक। तो आपने देखा मिल्टन साहब एक ऐसा आदमी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात करता है, ये बड़ा जरूरी है किसी भी। अब आप नॉर्वे कभी नहीं बन पाएंगे, मतलब डेमोक्रेटिक लेवल में उनका सबसे आगे स्थान है, आप डेनमार्क नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई अच्छा है तो उसके जैसा बनने में क्या बुराई है। किसी अच्छे व्यक्ति को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, आप अच्छा बनिए, बट उस अच्छा बनने के चक्कर में गलत मत बन जाइए ना, ठीक है, समझ रहे हैं। एरोपजिट मिल्टन जो थे, अब मिल्टन के बारे में मैं क्या यार, किसी की औकात नहीं उसके बाद जो पैराडाइज लास्ट जैसा एपिक लिख दिया, उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई एपिक लिख पाए। रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स ने हिम्मत जरूर करी, लेकिन उनको लगा कि यार, फिर ये लोग लेवल वाले आदमी थे ना, बात थोड़ा ऊंचे लेवल की थी। कीट्स समझ गए यार, मैं तो यार अपने गुरु के बराबर ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं मिल्टन से इंस्पायर्ड तो हो रहा हूं, लेकिन मिल्टन के लेवल को डाकने की तो, सरपास करने की तो बात छोड़ो, उसके लेवल पे भी नहीं पहुंच रहा। तो उन्होंने एक एक छोड़ दिया, दिस इज टू मच मिल्टोनिक, हाइपीरियन उन्होंने इसीलिए छोड़ दिया ना। तो मजा आ रहा है आपको। और चूंकि होली के बाद अब जो क्लासेस होंगी वो होली के बाद ही होंगी, आज होली के पहले पहली क्लास है। अगर कुछ और बातें होंगी तो असलम सर आपको बता देंगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स, सो ही विल लेट यू नो। बाकी अगर बात करें, अभी राहुल यादव ने एक रिक्वेस्ट करी कि सर कोई नया, जरूर नया मिलेगा, लेट द नोटिफिकेशन बी आउट, आई विल बी, लेकिन अभी जो है वो भी सुप्रीम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें, हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्या बात है, सवाल आसान है। तो रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये उन्होंने अपना धर्म बदला था। इन प्रिफेस टू हिज बुक फॉर लॉन्सलॉट एंड्रयूज, कहां पर उन्होंने किया था, एंड्रयू मार्वेल, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन डन और टी एस एलियट, इन प्रिफेस टू फॉर लॉन्सलॉट एंड्रयूज, उन्होंने इस किताब के प्रिफेस में ये बात लिखी थी जो 1928 में आई थी। अब टी एस एलियट जैसा व्यक्ति आप समझ रहे हो, सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, ठीक है, हालांकि
इलियट की बात करेंगे हम। दरअसल इन प्रीफेस टू फॉर लॉन्सलॉट एंड्रयूज के प्रीफेस में इन्होंने ये बात लिखी थी, और ये लगभग 1927 में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, आपको पता है, और यू बेटर नो दैट। बाकी तो ठीक ही है। क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ठीक है, कैथोलिक मतलब जैसे राव सोनिया आंटी जो हैं वो कैथोलिक रिलीजन से हैं। कैथोलिक रिलीजन्स पोप की सत्ता में विश्वास करते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, कि उन्हें उनका मानना है कि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से है। जो भी रहा हो, दुनिया के सारे धर्म कुछ अच्छी बातें ही सिखाते हैं, हमें तो अच्छी बातें सीखनी है, अच्छा बनना है। आगे की बात करते हैं साहब, और निराश नहीं होना है। मे दिस कलर ऑफ मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ कलर्स इन योर लाइफ। तो आप निराश मत होइए कि वैकेंसी, अब जाहिर सी बात है प्रक्रिया चल रही है, तो वैकेंसी भी आफ्टर इलेक्शन ही आएगा। अब चुनावी प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें वो आचार संहिता लगी रहती है, तो दे नहीं सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाई थॉमस हार्डी अपीयर्स एनोनिमसली, क्या बात है, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, जाहिर सी बात है ये शॉर्ट स्टोरी है सब उन्हीं की है। अंडर द ग्रीन ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल, इसका सब टाइटल याद रख लेना, अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल, बहुत पूछा जा सकता है टाइटल कहां से लिया गया है, ऑफ डच स्कूल। ठीक है, ये इसका सब टाइटल है, किसका, अंडर द ग्रीन ट्री, टाइटल कहां से लिया गया है, ये टाइटल लिया गया है, ये आंसर आपका नहीं है, हाँ नहीं सोचो, क्यों बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। आपका डिस्पेरेट रेमेडीज जो है 1871 में तो यही आता है ना, तो ये जो है ना अंडर द ग्रीन ट्री जो है इसका सब टाइटल है अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल, और ये टाइटल लिया गया है कहां से, एज यू लाइक इट से। ठीक है, डिस्परेट रेमेडीज इज द राइट आंसर, द टाइटल ऑफ ग्रीनवुड इज टेकन फ्रॉम डच आइलैंड। अभी लास्ट वाली क्लास में मैंने ये सवाल फिर से बताया था, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सारी चीजें आपको हैं, अच्छी बात है, सब लोग यहां पर हैं। लेट मी नेम ऑफ यू, शत्रुघ्न, डॉक्टर मंजू, शशि ब्रिज, रेखा, अरुणेश, पूजा, रत्नेश, शालू, आबिद, रजनी, अनुराग, समर, सरिता, राघव एंड मेनी मोर। ठीक है, तो सबको ढेर सारा, आपको पढ़ते रहना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इंडीमियन, क्या बात है, इंडीमियन जिसकी बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस, कीट्स लुक टुक द स्टोरी फ्रॉम। दरअसल ये जो इंडीमियन है ना, ये इंडीमियन नाम का एक नोवेल भी था, बेंजामिन डिजराइली का, जॉन लेली का भी कुछ है इस तरीके से, बट अभी बात करते स्टोरी कहां से, इट इज इन फोर बुक। मजेदार बात क्या है, इट इज इन फोर बुक, फोर बुक्स याद कर लेना, इंडीमियन कितने बुक्स में है, इट इज इन फोर बुक्स माय डियर। पूछता है कहां से स्टोरी कहां से लिया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है। और कुछ बता दूं आपको, और कुछ बताऊं कि ना बताऊं, बता दूं। इसमें क्या है, इसमें एक बुक वन में एक आता है हिम टू, इसमें इसके अंदर बुक वन में एक ओड आता है, और बुक फोर में एक राउंडले आता है। राउंडले का नाम क्या है, सारो, सारो नाम का एक राउंडले आता है। अब कहोगे सर राउंडले तो पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कई बार सुने होंगे। राउंडले जो है इज अ पोएम ऑफ 24 लाइंस। ठीक है, तो ये कहां पर आता है पूछा जा सकता है, अगर अच्छे जैसे इलाहाबाद और बनारस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर बनाएंगे पेपर, तो इस तरीके के सवाल पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फोर बुक्स में है
सॉरी फोर बुक्स में है, ये आप आपको ध्यान रखना है, माय अपोलॉजीज। और उसके बाद क्या है, ये बात कोई आपको बताएगा नहीं इसलिए मैं बता दूं। एक और भी एक ओड आता है हिम टू पैन करके, कहां पर आता है, इसी बुक के अंदर, बुक वन में आता है। तो दोनों फैक्ट हो गया। इसी मतलब ये इसी पोएम की लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये जो लाइन है ये आपको भूलना नहीं है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। माई डियर आपको बता दूं कि मजेदार बात ये है कि किड्स जो है सौंदर्य के उपासक जरूर थे, लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं ले लिया था। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, वेर ही सेज ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज। हालांकि और कई किताबों में आपको मिलेगा कि ये लाइन किड्स ने कही है, इनफैक्ट ये लाइन किड्स की नहीं थी, उन्होंने वो लाइन डायरेक्ट वहां से प्लेटो से ली थी। ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। कोई व्यक्ति आपको उसी समय अच्छा लग सकता है और वही व्यक्ति किसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है, समझ रहे हैं। कोशिश करिए कि आप किसी के लिए बुरे बनिए, अच्छे बनिए, अच्छी बात है सबके लिए। तो यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन और यू मस्ट नेवर ट्राई टू प्लीज, बट अपनी नज़र में मत गिरो अपने कृत्यों से, क्योंकि इंसान जब अपनी नज़र में गिर जाता है तो फिर अगर आप जीवन में सफल हो भी जाएंगे तो जिस प्रोफेशन में रहेंगे वहां दुखी रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने ऐसा कोई काम ना करें कि आप अपनी नज़र में गिर जाए। और अपनी नज़र में कौन गिरता जाते हो, जो इंसान होता है, जो शैतान होगा कहाँ से गिरेगा, उसके मन में ही गंदगी भरी है तो कहाँ से गिरेगा। उसे लगेगा नहीं जो मैं कह रहा हूँ, आई एम द डिवाइन ब्लेम यार, तुम्हारी क्या औकात है। तो ऐसा मत करिएगा। सारो, ये सारो, ओ सारो करके एक इसमें सारो क्या, ओ सारो करके था, तो ओ सारो करके एक राउंडले था। राउंडले क्या होता है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन। अगर ज्ञान में थोड़ा सा वर्धन हुआ हो तो लिख दीजिए कि ठीक है अर्जुन, तुम अपनी गांडी वैसे चलाते रहो, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं यहां से जो आपके एग्जाम में आ सकते, बता दूं ना, बताओ लिख के बताओ, बता दूं नहीं बताऊं, एक बात बता दूं, दो बात बता दूं। आप एक बात कहोगे एक बात बताऊंगा, दो कहोगे दो बताऊंगा, बाकी तीन कहोगे तीन भी बता सकता हूं, बताओ, लेकिन आज एक ही बताऊंगा, दो बता दूं। हाँ वैसे पहले में भी मैं बता सकता हूं कई बातें, चलो दो बता देता हूं ना। हाँ इसमें कुछ अच्छा, ये ग्रीन न्यूट्री वाला बताना था, डिस्परेट रेमेडीज पे ही बता देते हैं। अब डिस्परेट रेमेडीज में क्या है, इसको गॉथिक नॉवेल भी माना जाता है एक प्रकार का, हालांकि पूरी तरीके से गॉथिक नहीं, इसकी आलोचना हुई थी ये कह के कि ये जो है क्वेजाई गॉथिक है। क्या है, जिसको आप क्वासी पढ़ते हो और मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्वेजाई पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं। क्वेजाई गॉथिक, इसको क्वेजाई गॉथिक भी कहा गया था। एक पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट भी बताऊंगा। इसी इंडिमियन को कीट्स ने कहा था अ फीवरिस अटेम्प्ट, क्या कहा था, अ फीवरिस अटेम्प्ट, याद कर लेना यही आएगा, अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकॉम्प्लिस्ड, क्या कहा था, इसे फीवरिस अटेम्प्ट कहा था, रादर डीड अकॉम्प्लिस्ड, ठीक है। इसको किसने कहा था, कीट्स ने कहा था कि एक फीवरिस अटेम्प्ट है। ज्यादातर लोग ऑप्शन में हाइपीनियन रहेगा तो हाइपीनियन लगा देंगे, तो हाइपीनियन आपका आंसर नहीं होगा। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एंड एंड इन वीव, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। हु सेड दिस, मैथ्यू अर्नॉल्ड, डॉक्टर जॉनसन, टी एस एलियट, जॉन कीट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। जो हरिकेश कह रहा है खतरनाक सेशन, हाँ ये इलाहाबाद के जो भी मेरे मित्र होंगे जो मुझे जानते हैं काफी अरसे से जानते हैं, मेरी कुछ शब्दावली का प्रयोग जानते हैं खतरनाक वाला के, वो एक मनमोहन चौराहा, इलाहाबादी बच्चे जानते हो उनका जलवायु होता है, सब कुछ भी समझ लो, चाहे सलमान रुश्दी को पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, इलाहाबाद में एक क्रेज तो है
चाहे उसे अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, लेकिन डिपार्टमेंट में वो आउटलुक की मैगजीन जरूर लेके चलता था। चाहे उसने सलमान रुश्दी की नॉवल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ऐसे हाथ में दो नॉवल लेके जाता था दिखाने के लिए। वो पढ़ी है, लोग हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, तीन लाइन अंग्रेजी में बोलेगा। अब अंग्रेजी बोलने का जलवा है साहब, आप मानो ना मानो, यू मे फ्राउन एट दिस स्टेटमेंट, बट सच यही है कि ये जो यू नो ये अंग्रेजी थोड़ी ना है। अंग्रेजी अच्छी बोलोगे तो यार सारे लोग, हमारे एक वाइस चांसलर साहब रहे, राजन हरसे सर रहे, अभी भी हैं, अब नहीं है वो चांसलर। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, ही वॉज ऑन इवनिंग वॉक है ना, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड वर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लॉन। तो वहाँ जब बैठे थे तो हम लोग देखे तो भाई पहले से जानते, तो उन्होंने कभी क्या गजब की अंग्रेजी बोलते थे, ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। वो अंग्रेजी के टीचर नहीं थे, ही वॉज वेरी अल्ट्रा गुड बोलते थे। तो कैलिबर आपका बढ़ जाता है अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। तो इलाहाबाद जैसे संस्थान में पढ़ने का अपना एक अलग, में ये अलग बात है कि इस बीच डिटीरियोरेशन जरूर दिखते हैं, बट ठीक है फिर भी। हाँ, हाथी कितना भी मोटा हो जाएगा, चूहा थोड़ी ना बनेगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेज हमेशा है, क्योंकि दैट इज माई अल्मा मैटर। ठीक, आगे की बात करें, ये किसने कहा है, ये टीएस इलियट ने कहा है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म नाम के एक उन्होंने ऐसे लिखा था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म कब लिखा था, 1923 में। अगर मैं ऐसे कभी लिखूं, अगर एज जिसे ईयर वगैरह में क्या होता है, थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं सर ने ऐसा कहा है, तो यू कैन डू योर ओन क्रॉस चेकिंग, आई विल नॉट फॉरबिड यू। आपको करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ रोबो, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई मे, बट अमूमन होता नहीं है, क्योंकि वो अगर अनकॉन्सियसली हो जाए अलग बात है, बट मैं आई ट्राई टू गिव यू वेरी प्रिसाइज एंड ऑथेंटिक वन। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, दिस कॉन्सेप्ट क्या है, पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। कैसे, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ऐसी मेमोरीज जो उसको अब रिकलेक्ट किया हो, कब, एकदम सरीन एंड कूल माइंड, जिसको आप सीरीन पढ़ते हो, वो सरीन पढ़िए आप, सरीनिटी नॉट सेरेनिटी। तो सरीन माइंड में जब आप रहते हो तो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने रिजेक्ट किया, दिस कॉन्सेप्ट वॉज रिजेक्टेड बाई हूम, तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज अगेन रिजेक्टेड बाई टी एस इलियट। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं, उमदा भी है, दिस इज सवाल भी उमदा है, ईजी है, यहां वी लगा देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा क्या, सवाल उमदा है, अच्छा है, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं साहब, द डिकॉन्स्ट्रक्टिव एंजल, क्या बात है, द डिकॉन्स्ट्रक्टिव एंजल इज अ बुक बाय, आपको बताना है, द डिकॉन्स्ट्रक्टिव एंजल इज अ बुक बाय पॉल डीमैन, बारबरा जॉनसन, एम एच अब्राम, जैक डेरिडा। ठीक है, वैसे सारे नाम आपको जानने चाहिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, पॉल डीमैन, बारबरा जॉनसन, एम एच अब्राम्स, जैक्स डेरिडा, एंड व्हाट इज योर आंसर, यू ऑल आर सेइंग एम एच अब्राम्स, क्या बात है, एम एच अब्राम्स का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, कम से कम इस किताब के लिए तो नहीं, इस किताब के लिए आप भूलिएगा मत, ये किताब दिखा दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि किताब आपको बहुत हेल्प करेगी। आज से छः सात साल पहले मैंने इसको बाइबल कहा था, तो अब हर टॉम डिक हैरी इसको बाइबल कहने लगा है। हाँ, कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, ओ कुमार विश्वास साहब का एक शेर है कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, कि मेरे जुमलों से काम लेते हैं बंधे जिनसे बोलचाल मेरी। ठीक है, तो वे जो बड़ा मजा, ऐसा ना क्या होता है कि देखिए लाइफ है, चलता रहता है, मजा लेते रहना चाहिए। देखो, आप मजा नहीं लोगे तब भी आपको एक उम्र के बाद चीजें डिक्रीज होंगी, तो आपके मन में कोई अच्छा काम करने की तमन्ना है तो करो उसको, दम
दबा के मत रखो, नहीं तो फिर दबी हुई चीज़ें बड़ी तकलीफ देती हैं ना। और रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम पुणे, ही यूज टू बी टीचर लॉन्ग लॉन्ग एगो, जब हम MBA में पढ़ा रहे थे कैट वालों को बहुत पहले, तो हमारी दोस्ती हुई थी उनसे, अभी भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है ऐसे ही व्हाट्सएप के जरिए। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी आदमी को खूब रोना चाहिए, तो हमने कहा उससे फ़ायदा क्या है सर? ही इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई एड्रेस हिम एज़ सर। क्या रोने से फ़ायदा ये है भूपेश कि तुझको मैं भेज दे रहा हूँ पढ़ ले तू, रोने से ये फ़ायदा है कि आदमी को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हम क्या बात कर रहे हो? कहें जो व्यक्ति सही में मन से रो लेता होगा साल में 2-3 बार, उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन आई रेड द थियरीज। मुझे भी काफ़ी कोरिलेशन लगा कि काफ़ी अच्छी बातें बता रहे। हालांकि अब वो जेनेटिकल है तो अलग इशू है, तो ऐसे बेवजह रो मत, क्योंकि खलील जिब्रान की लाइन है कि आदमी कब कब हंसा है जिंदगी में उसे नहीं याद है, लेकिन वो जब जब रोया है उसे याद है। खलील जिब्रान साहब को भी पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ, मैं जब खाली रहता हूँ तो खलील जिब्रान साहब को भी पढ़ता हूँ। आप खलील जिब्रान साहब को भी पढ़िए, मैं किताब दिखा दे रहा हूँ आपको, शायद आपको हेल्प करे खलील जिब्रान। वैसे मैं वो हालांकि मोटी है ये, खलील जिब्रान के उनकी कुछ रचनाओं का संग्रह है, मैं ये पढ़ता हूँ, और बड़ी मतलब अच्छी अच्छी लाइनें लिखते हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने के बाद, फिलोसफिक हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा। और खलील जिब्रान भी पढ़ा करिए, मौके में खूब पढ़ा करिए, पढ़ा करिए, छुट्टी में पढ़ा लगे सब ठीक है। आगे की बात करें, ठीक है, आगे की बात करें, मेमोर क्लब, मेमोर क्लब, जो मेमोइर पढ़ते हो तो बेहतर हो कि इसको पढ़ना क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी पढ़िए, इट्स अप टू यू, आई एम नन टू रेक्टिफाई यू। मेमोर क्लब ऑफ 1920s वाज ओरिजिनली सेंटर्ड ऑन टू डॉटर्स ऑफ, दो बेटियाँ थी, एक का नाम बनीशा वेल था, आप तो जान ही गए होंगे, और एक का नाम वर्जीनिया वुल्फ था, अब भी जान गए हो कि नहीं? हालांकि उसमें क्लाइव वेल भी थे, कई लोग थे, तो डंकन ग्रांट, ईएम फॉस्टर, जेम कीन्स, लेजली स्टीफन, ये जो है वर्जीनिया वुल्फ के डैडी हैं, इन्हीं के लाइफ पे बेस्ड था, ठीक है। लेजली स्टीफन जो है वर्जीनिया वुल्फ के डैडी हैं, टीएसी लियट गॉट नोबेल प्राइज, क्या बात है, टीएसी लियट को नोबेल प्राइज मिला, कब मिला आपको बता दूं, ठीक है, कब मिला आपको बता दूं मैं, 1950, क्या बात है, 1948, 1965, तो देखो सब लोग 48 बता रहे, तो भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। देखो 1950 में मिलता है, सब बता दे रहा हूं, शायद आपको हेल्प हो जाए, बर्ट्रंड रसेल को मिलता है, ये इनका नाम भी आप जानते हैं ना, बर्ट्रंड रसेल, द रोड टू हैप्पीनेस पढ़ी है ना, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इन्होंने कहा कि मानवता उसी दिन मर गई जिस दिन सॉक्रेटिस को जहर दिया गया था, वो हेमलॉक दिया उनका प्याला दिया गया ना, सॉक्रेटिस को इसलिए जहर दे दिया गया क्योंकि वो सच बोलता था। यार आज तुम बात कर रहे हो यार, सदियों पहले एथेंस में ग्रीक जहां से दुनिया की सभ्यता शुरू होती है, ग्रीक सिविलाइजेशन, हाँ बी मे ब्रेक दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन, आई टू एम हैप्पी इफ इट इज ट्रू, लेकिन आप दूर में जाओगे पढ़ोगे तो सभ्यता की शुरुआत लगभग वहां से मानी जाती है, जो भी रहा हो। हाँ अब हम कुछ भी कर लें, हम महा हमारे हमारे वंशज अफ्रीका के ही हैं, समझ रहे हो नहीं, हाँ आदिमानव वहीं से आए। तो 1948 में टीएससी लेट को मिलता है, आपका आंसर हो गया ठीक है। और 1957 में अल्बर्ट कामू को मिलता है, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मिथ ऑफ सिसिफस की कहानी बताएगी। 1965 में एक रशियन नॉवलिस्ट है, मिखाइल बाख्तिन नहीं, मिखाइल शोलोखो, तो इनको नॉवलिस्ट थे, इनको मिलता है। 1949 में ये सब बता दे रहा हूं, विलियम फॉकनर को मिलता है, नाम तो सुना होगा ना, फॉकनर, अब फॉकनर को मिला तो हेमिंग में कैसे पीछे हो जाएंगे, यहां 1954 में मिलता है, ठीक है साहब रट लेना, ऐसे ही तो आ जाएगा यार, क्या करोगे आई ज्यादा, अब हेमिंग्वे को आएगा साहब। और एक मजेदार बात बता दूं, 1964 में, अभी कहानी मैंने बताई होगी, एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, 1964 में
जां पॉल सार्त्र को मिला था, जीन पॉल पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभी, सही वो नहीं है जो मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, लिया नहीं, कहा कि ये नोबेल प्राइज देने वाले वही लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज के जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, इसलिए मैं नहीं लेता हूं। और जां पॉल सार्त्र एक बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, आपको पता है इनका संबंध, अगर सिमोन दी बुआ का नाम आपने सुना होगा, सेकेंड सेक्स नाम की किताब उन्होंने लिखी थी 1949 में, वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट, और एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर फिगर में तो आप सारेन कारगार्ड और नीत्से का नाम ले सकते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द चीफ प्रोपोनेंट। एग्जिस्टेंशियलिज्म मानता है कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू इसेंस, मतलब हम दुनिया में आए हैं और हम क्या पाएंगे ये पहले से निश्चित नहीं है। मतलब इन्होंने कहा सो लॉन्ग एज गॉड एग्जिस्ट मैन कैन नेवर बी रेस्पॉन्सिबल, सो मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। एंड नाउ वही नीचे वाली लाइन, आई हैव किल्ड योर गॉड, ठीक है, गॉड को एलिमिनेट करते हैं ये लोग कि गॉड का कोई रोल नहीं है हमारे, हम जीवन में हैप्पी होंगे कि सैड होंगे, हम जीवन में कुछ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है, गॉड एक स्वतंत्र संस्था है। आप मान लीजिए आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरे मिलेंगे, चोरी करोगे तो आपको चोर कहेंगे, चुट्टे कहलाओगे, मेहनत करोगे तो परिश्रमी कहलाओगे, दोनों चीजें हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अरे कोई बात नहीं अर्जुन, तू मेरे साथ रहेगा ना तो रोज कोई ना कोई नाम सुनेगा, तुझे क्या लगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश बिगेन विद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, जॉन विक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, द ब्लैक डेथ ऑफ 1349-1350, कहीं कहीं ये 1348 भी लिखा रहेगा और इसका कहीं 1382 भी लिखा रहेगा, द 100 ईयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस इन 1337 एंड 1453, क्या बात है, कम से कम एक में कई चीज़ें आपको शामिल है यहाँ पर, तो आप क्या देखेंगे, इट इज़ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है साहब। आगे की बात करते हैं, शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू जॉनसन ऑफर्स पर्टिकुलर मैनर्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर मैनर्स पेकुलियर टू प्लेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर आपको बताना है, नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग, इनकी एक लाइन है, नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग, क्या लाइन है, नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड नथिंग एंड प्लीज लॉन्ग, उसके बाद की लाइन इसी में लिखा है, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, उसके बाद की लाइन यही ऊपर है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बट जस्ट डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यही लाइन है, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, दिस इज द लाइन। आगे की बात करें, ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स इन विच कॉन्टिनेंट वर द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंडेड, पहला ब्रिटिश कॉलोनी 1607 में फाउंड हुआ था, क्योंकि जेम्स का टेन्योरी 1603 से लेकर के 1625 तक का इनका टेन्योरी है, तो पहली ब्रिटिश कॉलोनी, वही उपनिवेश जैसे भारत ब्रितानी हुकूमत के, हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे होंगे, कॉलोनी थे, हाँ, एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका, पहली ब्रिटिश कॉलोनी वर्जीनिया नाम के प्लेस में बनाई थी, वर्जीनिया ये प्लेस है, ठीक है, कहाँ पर बनाई थी आपको बताना है, एंड व्हाट इज योर आंसर माय डियर, नॉर्थ अमेरिका, क्या बात है शरिता, यू वन माय हार्ट, दो जो है आंसर्ड अमेरिका, दे वन माय हार्ट, ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को पता है, हालांकि ये सवाल मैंने पहले भी बताया इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छा लगा मुझे कि आपको पता है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फोनोलॉजी, फोनोलॉजी के संबंध से साउंड से है,
लेक्सिकोग्राफी द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब ही होता है ग्रीक वर्ड शेप एंड साइज, तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड से मॉर्फोलॉजी हो गया, सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड, इसी को सीमियोलॉजी के नाम से भी आप जानते हैं। द एंटी मास्क वॉज अ फॉर्म डेवलप्ड बाई, इट वॉज अ कॉमिक एंड ग्रोटेस्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिफोर सम, मतलब जो परफॉर्मेंस होता था उसके पहले। तो जॉर्ज चैपमैन, मास्क और एंटी मास्क दोनों के लिए एक ही बंदा जाना जाता है, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉमिक और ग्रोटेस्क पीस ऑफ क्लाउनिंग होता है जो मास्क परफॉर्म होने के पहले, एंटी का मतलब एंटी स्पेलिंग पहले ये था एंटी, एंटी मास्क, बाद में वो कहते कहते वो चलन में आ गया, तो एंटी मास्क मतलब मास्क के पहले, मास्क परफॉर्म होने के पहले एक कॉमिक या क्लाउनिंग होता था, ग्रोटेस्क क्लाउनिंग ऑफ वॉच परफॉर्म्ड, तो उसको एंटी मास्क कहते थे, और दोनों का ट्रेंड बेन जॉनसन लाए थे। हु कॉल्स शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, बताने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब आगे एग्जाम में आए मीरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा और आप वो गलत करके आए, तो ये तो यार फिर वही बात हुई ना कि आप कहेंगे कुछ एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, क्या बात है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ये कौन कहता है, मैलकम कहता है। आपको बता दूं मजेदार बात ये है कि हु इज द ब्राइटेस्ट रिफर्ड बाई शेक्सपियर इन दिस कोटेड, इन दिस कोट, इस कोट में हमने कहा कि इन दिस कोटेड कहां से रुक गया, तो ये जो है माय डियर ये मैलकम ने कहा है, और लाइन भी रट लेना आप, एक्ट फोर सीन थ्री में कहा है, मैकडफ, मैकबेथ, लूसीफर, मैलकम। यहां पूछ रहा है कि ब्राइटेस्ट जो है, हु इज द ब्राइट, ब्राइटेस्ट किसको कहा गया, ब्राइटेस्ट का मतलब होता है जब लूसीफर होता है, लूसीफर क्या है, सेटन का ही नाम है ये। आप कहोगे एक व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते हैं, नाम तो आदमी अपने कर्मों से बदलता है ना, ठीक है। लूसीफर पहले एंजल होता था, गॉड का फेवरेट एंजल होता था, तो इसने गॉड के कहना, गॉड के खिलाफ चला गया, गॉड का खिलाफ, गॉड के खिलाफ का मतलब अच्छी चीज को नहीं माना, मानना चाहिए अच्छी चीज को। तो लूसीफर जो था क्या हुआ, गॉड के खिलाफ चला गया, तो उसको बाद में सेटन बना। लूसीफर द मॉर्निंग स्टार, वैसे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है, वैसे आप लोग पसंद आएंगे क्योंकि वो सारी चीजें भी हैं जो आप देखना पसंद करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, स्टोरी भी है उसमें। लूसीफर जो है वो पृथ्वी पे आ गया है, वो कह रहा है कि मैं डेविल वाला जो है, और वो अपना डेविलहुड छोड़ना चाह रहा है। बढ़िया, दो तीन सीरीज मैंने भी देखी थी, मुझे अच्छे लगे थे, टाइम पास कर लेता हूँ। अब कभी कभी इतना तो वक्त ही नहीं रहता कि टाइम पास करूँ, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैव द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो, किस प्ले में रॉबिन गुडफेलो है, ये रॉबिन गुडफेलो उसका दूसरा नाम है, रोमियो एंड जूलियट, टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, क्या बात है। और यहां पर अगर माय डियर बात करें तो पक का नाम सुना है, पक एक कैरेक्टर है, पक उसी का दूसरा नाम है, पक इज ऑल्सो नोन एज रॉबिनहुड, पक अका रॉबिनहुड, अका का मतलब ऑल्सो नोन एज, ठीक है, मिडसमर नाइट ड्रीम। और बाकी तो विच माउंटेन से एज इंस्पायर्ड, मिशेल डी माउंटेन की बात कर रहा है, फादर ऑफ एस एज कहा जाता है, माउंटेन को ही फादर ऑफ एस एज कहा जाता है, क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एस एज कहते हैं, गॉट इट माई डियर, ठीक है। एडवर्ड द सेकेंड ऑफ द कैनिबल्स एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी द फेयर मेड ऑफ द इन, तो ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन द शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माई ओन किंग, क्या बात है, फॉर आई हैव ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, ये जो तुम्हारा आज है ना पहले मेरा था, कौन कह सकता है ऐसे, कैलिबन, साइकोरेक्स, चुड़ैल आती है, एरियल, प्रोस्पेरो,
तो प्रॉस्पेरो तो गुलाम रहता तो कह नहीं सकता। एक बंदा है जिसके साथ कहीं ना कहीं हर पढ़े लिखे व्यक्ति को लगेगा कि अन्याय हुआ है, तो बात सही है। कैलिबन, कैलिबन आपको पता है हाफ मैन और हाफ फिश है, डिफॉर्म्ड फिगर है आप ये कह सकते हैं। हु ट्राइड टू रेप मिरांडा, द आर्मर बेयरर, ये आर्मर की स्पेलिंग ये वाला रहेगा, ये अमेरिकन के ऑटो उठा लिया है। आर्मर बेयरर टू मैकबेथ का जो युद्ध में जाने वाला जो होता है हथियार उथियार कवच ववच कौन पहनाता है उस कौन होता है, वह आर्मर बेयरर जो लिए रहता है वो क्या है, उसका हेल्पर कौन रहता है इस मामले में, सीटन रहता है। एंगस रॉस सिवार्ड सारे कैरेक्टर मैकबेथ से हैं, तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आगे की बात करें, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस द सॉलिटरी रीपर द सोनेट ऑन सोनेट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन द प्रीलूड का नाम ही है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, आप जानते हैं। तो ये प्रीलूड जो है इज अ क्लासिक पोएम इन 14 बुक्स। देखो आई डोंट नो समटाइम्स आई एम यानिंग एंड आई डोंट नो विद व्हाट रीजन एंड विद व्हाट लॉजिक, मैं आज सोया नहीं हूं, सोया तो था यार मैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन दोज एलिमेंट्स, इन दोज ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर थोड़ा सा ऑफ कर दो तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ग्रामेटिकल एरर मुझे दिखा रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, रिपीटेड है लेकिन लॉजिकल है, मैंने लॉजिक पे बेस किया है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई माइकल द सॉलिटरी रीपर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो बता देगा उसके साथ मैं जरूर कभी सिलेक्शन हो ना हो मिलने पे मैं वक्त बिताऊंगा, कुछ गुरु मंत्र जरूर दूंगा, साथ में हम लोग चाय पी लेंगे, लक्ष्मी चौराहे वाली चाय पियेंगे, ठीक है, बढ़िया चाय, टेंशन मत लो, बता दो आज। तो यहां पर देखो सब लोग गोपाल कह रहे हैं ये क्या है भाई, ए है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। काजल कह रहे हैं माइकल है, क्या बात है, ठीक है। रेखा कह रही ये है, क्या बात है। रोशनी का मतलब ज्यादातर आंसर किसका दे रहे, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादातर आंसर जो है स्नेहा कह रही है, चलो ज्यादातर जो आंसर है सही मिले हैं, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है क्योंकि दोनों की थीम क्या है, इसमें भी इसमें मैथ्यू के लर्निंग की बात हुई है, हालांकि दोनों के लर्निंग का तरीका अलग है, उसमें नेचर कैसे, हाउ नेचर कैन टीच यू द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स इन लाइफ, ये दिखाया गया है, दोनों में लगभग वही चीजें हैं। अप अप माई फ्रेंड क्विट योर बुक्स, ये कहता है टेबल टर्न। तो ये जो है आपको बताना है, ठीक है, देखो अब कॉफी पीने में कोई बुराई नहीं है, मैं खैर 200-300 लोग लाइव रहते हैं, इतने लोगों को तो कॉफी पिला ही सकता हूँ, आप लोग इतना इतना भी इतने भी हल्के मत लो करो काजल, इतने हल्के मत लिया करो यार, ठीक है। अब इतना हल्का थोड़ी हूँ अपने अपने स्टूडेंट को चाय नहीं पिला सकता है, शायद आपको पता नहीं है इसमें कई लाइव होंगे। जब मैं 2001 में एक GIC थी वहां पढ़ा रहा था, आपको सर आपने बीए किया, अरे पढ़ा रहा था, वैसे 1500 रुपये मिलते थे मुझे, और पैसे कैसे मिलते थे, 5-5 रुपये बच्चों से लेते थे, इसमें 2-3 हैं उसमें पढ़े भी होंगे, अगर होगा वो देख रहा होगा। तो मैं बाहर पेठी वाला और चना जोर बेचता था, तो इंटरवल में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था और वही दो पीरियड पढ़ाने जाता था, बस साइकिल से जाता था GIC में, वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे परमिट, मतलब सब गार्डियन से PTA में मीटिंग करके मुझे एज ए टीचर रख लिया था, दो पीरियड पढ़ाता था, 10 बजे आता था, 12 बजे वही लंच में भाग आता था, मतलब भाग के आता था, वही मेरा काम ही था। तो मैं वहाँ बच्चों को खूब लाई चना होना खूब खिलाता था, पेठा उठा एक दिन क्लास में मैंने टेस्ट लिया, कई बच्चों ने सही किया सब ने, मैं बगल में पेठा मंगाया, पूरा क्लास को पेठा खिलवाया था, पेठा समझते हो वही
हाँ मैंने सोचा आप लोग प्रिंस चार्ल्स यहाँ पैदा हुए हूँ, तो सारे बच्चों को पेटा गया है, सारे बच्चे पूरे गांव मुझे मशहूर कर दिए, अरे भूपेश गुरु जी ना बहुत मज़ेदार टीचर, क्रिकेट भी खेलते हैं, सवाल टेस्ट देते हैं, उसके बाद पेठा भी खिलाते हैं। तो ये है, ठीक है, आगे की बात करते हैं साहब। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड इन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल वर्जन की बात करें, हालांकि ये लिखा गया था 1805 में, बट ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, मरणोपरांत पब्लिश हुआ, ये पब्लिश्ड हुआ, पब्लिश्ड, ये रिटन, हाँ नहीं तो, क्योंकि दोनों में एक जीरो इधर है कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, तो ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था मरणोपरांत, ठीक है, बाकी तो ठीक ही है, सब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स, वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज, सेलीज द ट्रायंफ ऑफ लाइफ, और बायरन्स डॉन यूआन, जॉन कीट्स हाइपीरियन, दे आर ऑल एलिजीज, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, दे आर ऑल डिवाइडेड इन टू कैंटोस, दे आर विमेन सेंटर्ड पोएम्स, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल एलिजीज नहीं है, दे आर ऑल अनफिनिश्ड है, ये सब इनकम्प्लीट है, आपको बता दो, आपको बस अपने आंसर पे, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखना चाहिए बस। और ये सवाल चूंकि रिपीटेड है, मुझे अच्छा लगेगा, दे आर ऑल अनफिनिश्ड। अब यहाँ पर क्या है, द प्रीलूड ऑल्सो बिगन एज अर्ली एज 1789 एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन इन 1805 वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मतलब बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसी टाइप का हो गया, हु कॉल्ड शेक्सपियर आर मेरिट माइंडेड शेक्सपियर, बताने की ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका, जब आप एग्जाम में गर्टरूड कहाँ की करेक्टर है गलत करके आओगे, फिर कहोगे सर मेरा नहीं हुआ, तो उसमें सर कर भी क्या सकते बेटा, सर को तो नहीं एग्जाम देना है ना, आप मैं डांटता हूँ तो आपको बुरा लगता है, देखो ईजी क्वेश्चन मत गलत करो, और गलत तरीके से अगर आप सफल भी हो जाओगे तब भी आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमारे गांव में कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, क्या मैं लंदन से आया हूँ, हमारे गांव में कहावत है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है वो डिसेबल्ड लोगों के प्रति, आई रिस्पेक्ट देम, और मुझे लगता है कि दे मस्ट बी वेलकम्ड एंड रिसीव्ड एवरीवेयर वेर एवर दे गो, तो जैसे गांव में कहावत है कोई व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है, कहीं कनवा को कनवा कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या, तो आपको बुरा लग सकता है लेकिन नहीं कहना चाहिए, तो बहुत बिटर ट्रूथ नहीं बोलना चाहिए, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूं जो जेआरएफ है इंग्लिश में, मुझे ये भी पता है कि जेआरएफ कैसे, और वो बेरोजगार होने का कारण ही यही है, हाँ प्रूफ करा के पढ़ा रहे हो अलग बात, तो इसका मतलब ये नहीं वो जेआरएफ हो जाना आपको, ऐसा नहीं कि आप जेआरएफ हो गए तो आप जेआरएफ क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाइड है, लोगों को लगेगा ना सर्टिफिकेट में, ये भी मैं जानता हूं कि कैसे हैं, अब क्या ही बोला जाए, तो ऐसे लोग आपको इक्वेट नहीं कर पाएंगे, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत का कोई पहले बात ही समझ लो, हार्ड वर्क डज नॉट हैव अ सब्स्टिट्यूट लाइन रट लो, मतलब हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, आपने एक पोएम पढ़ी होगी ना रुडयार्ड किपलिंग का, जिसको आप रुडयार्ड किपलिंग पढ़ते हो इंटरमीडिएट में, कईयों ने आप में से पढ़ी होगी, खैर मेरे जमाने में था, हा? अब आपके जमाने में था कि नहीं, उसने कहा इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू एंड मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग आर बींग लाइड अबाउट यू डोंट डील इन लाइज आर बींग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर आपके मतलब क्या है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब मैं पढ़ा रहा था रुडयार्ड किपलिंग को, रुडयार्ड किपलिंग आप लोग पढ़ते हैं 1907 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, किम वाली कहानी जानते होंगे, जंगल बुक जंगल जंगल बात चली है, मोगली की कहानी तो जानते हैं ना, वो भी इन्होंने लिखी थी 1894 में, तो इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर, जब आप अपने मन का संतुलन बनाए रख सके, जब आपके आस पास के लोग अपना संतुलन खो रहे हों, If you can trust yourself, when all men doubt you, जब आप अपने आप पे भरोसा रख सके, सारे लोग आप पे डाउट कर रहे हैं,
एंड गिव अलाउंस दे आर डाउटिंग टू, और उनके शक करने को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं. एंड इफ यू कैन वेट नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, और आप इंतजार कर सकते हो और इंतजार करते करते थकते नहीं हो. आर बींग लाइड अबाउट यू, डोंट डील इन लाइज. ये जब तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा हो तो तब तो भी तब तुम झूठ का सहारा नहीं लेते हो. आर बींग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग. और जब तुमसे नफरत किया जा रहा हो तब भी तुम नफरत को जगह नहीं देते हो अपने लिए. गांधी जी ऐसे ही गांधी थोड़ी बने थे यार, उन्होंने जरूर रडेट किपलिंग को पढ़ा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है. थैंक यू. तो क्या है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, हु कॉल्ड शेक्सपियर आर मीरियड माइंडेड? बाय मीरियड माइंडेड की बात करें साहब, आगे की बात करें, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ही बियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम. क्या बात है, ही बियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम. ऐसा कौन कहता है आपको बताना है, क्या बात है. एक्ट थ्री सीन 13. अब सोचोगे यार 13 सीन 13 आया कहाँ होगा, तो पहले बात एंटोनियन क्लोपेट्रा में आया है. क्या बात है, एज कैन नॉट विदर. ठीक है, एनोबार्बस लेपिडस एंटोनी कहता है टू एम्बेसडर से, कहता है एंटोनी स्पीक्स टू एम्बेसडर. ठीक है, एंटोनी ही कहता है ही वियर्स द रोज ऑफ यू. अभी वो बच्चा है जाके कहते यार, वो नाना पाटेकर के एक हुआ था ना एड, बाप से बोल तेरे बस की बात नहीं है, पंजा लड़ाएगा क्या, ए बुड्ढे पंजा लड़ाएगा क्या. तो नाना पाटेकर कहते हैं बाद में कि बाप से बोल तेरे बस की बात नहीं है. बात ऊंचे लेवल की है ना. ठीक है, आगे की बात करते हैं साहब. इफ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, इट्स ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो एपिलॉग. एक अच्छे प्ले में एपिलॉग की जरूरत नहीं होती है. एक अच्छे प्ले में एपिलॉग की जरूरत नहीं होती है. दिस लाइन अपीयर्स इन विच प्ले, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग. ठीक है साहब, आपको बताना है. और एक अच्छे प्ले में एपिलॉग की जरूरत नहीं होती ऐसा मानना है. और ये क्योंकि एपिलॉग कौन कहती है यहाँ पर, रॉसलिंडी कहती है एज यू लाइक इट में है, और चूंकि लास्ट में ही है तो ये सारी चीजें हो गई. मजा आ गया आपको. आगे, मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, डिसंबर व्हेन दे वेड. आदमी आदमी होता है, आदमी एकदम अप्रैल की तरह होता है. अप्रैल इज द मंथ ऑफ फ्लावर्स एंड ब्यूटिफुल शावर. हाँ, वो टी सीलर के लिए क्वेलेस्ट मंथ है, चासर के लिए वो अच्छा मंथ है, अमूमन लोगों के लिए अच्छा मंथ है. तो मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, आदमी अप्रैल की तरह होता है जब वो प्रपोज करता है और शादी करते वक्त. फिर डिसंबर व्हेन द वेड, और शादी कर लेते तो एकदम कड़ाके की ठंड वाला हो जाता है, सोच लो. और मेट्स आर मेड व्हेन दे आर मेड्स, और मेड्स भी एकदम मई की मौसम की तरह होती हैं जब वो शादी नहीं रहती है. अब बट द स्काई चेंजेस, बट माहौल बदल जाता है व्हेन दे आर वाइफ, पत्नी बनने के बाद. हाँ, पत्नी गर्लफ्रेंड जो होती है क्या होती है, वो चंद्रमुखी रहती है. जब शादी हो जाती है तो सूर्यमुखी बन जाती है, शादी करके आती है तो सूर्यमुखी, और जब बच्चे हो जाते हैं उसके तो ज्वालामुखी बन जाती है. ये है चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी, समझ रहे नहीं. अब आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी डिफाइन कर लीजिए. तो हाँ, सीलिया कॉइन टच स्टोन, और रॉसलैंड कहती है ये किससे, ऑरलैंडो से कहती है ना, कहाँ कहती है, एक्ट 4 सीन 1 में. ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में कहती है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कोई बात नहीं. अरे यार, आप पत्नी के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखो कि वो, मेरा मानना है, मेरे एक गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि पत्नी से इतना प्यार करो कि कभी पूछे कहाँ से आ रहे हो तो आप बता दो गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे हो, तो डाउट ही नहीं करेगी. तो वो कहेगी जाओ मिलके आओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. इस तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करो कि शक शक वो कौन करते हैं, पत्नियों पर या पति पत्नी पे, वही
वही पत्नी पति पे शक कर सकती है और वही पति पत्नी में शक करता है जिसके प्यार में वो दम ना हो, तड़ ना हो। ये क्या है मोबाइल चेक करना, ये करना वो करना, क्या है? हमारा तो कभी कोई मोबाइल ही चेक नहीं करता। चेक करेगा भी तो, चेक करेगा तो कुछ पाएगा नहीं ना। मैं अच्छा, मेरा मानना जब मैं किसी का नहीं करता तो मेरा कोई ना करे, ठीक है, बात म्यूचुअल होनी चाहिए। लेकिन मैं मान के चलता हूं कोई मेरा चेक भी कर ले पत्नी जी, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इस लेवल का प्यार करो ना। पति पत्नी क्या होते हैं? पति पत्नी ऐसे चलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। जहां पर आप उसको दरकिनार, जहां प्यार है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, जहां ऐसे कहोगे तम तम मत कर, तुम खाना बनाओ मैं कमा के ला दूं, तो समझ लो कि खाना में क्या मिल जाएगा भगवान ही जानेगा भैया। तो ऐसा मत कहोगे। दुनिया की सारी महिलाएं रेस्पेक्ट की, चाहे वो किसी की बहन हो, बेटी हो और किसी की प्रेमिका हो, हर रोल में उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको, जो ताड़का टाइप की होती हैं, उनको हटाना चाहिए। उनको लगता है कोई गलती भी करेंगी और आप पे एहसान भी ला देंगी, तो ऐसी ताड़का टाइप के लोगों को आप अपने जीवन से दूर करिए। क्योंकि वो ताड़का के पास भी आसुरी शक्ति थी, आसुरी शक्ति भी कुछ समय तक रहती है, अल्टीमेटली उसका हाल भगवान राम आते हैं प्रभु, तो हो जाता है, कोई मिल जाएगा ठीक से। तो दुनिया की समस्त महिलाओं को मतलब रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है रेस्पेक्ट देता भी है, और नहीं देता तो गलती करता है, देना भी चाहिए। लेकिन जो ताड़का टाइप के लोग हैं उनको रेस्पेक्ट तो नहीं है देना चाहिए, उनको दरकिनार करना चाहिए। और उनसे 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 आप उनसे उनको एकदम आइसोलेटेड आत्माएं होती हैं, भटकी हुई आत्माएं होती हैं, तो ऐसी आत्माओं का क्या ही कहा जाए। हाँ, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहा जा सकते हैं कि वो भटकी हुई आत्मा जो है समाज में रहे। समम अजंति जनाः अस्मिन्निति समाजः, क्योंकि हम तो ऐसे कंपोजिट कल्चर के लोग हैं कि जिसमें सबको जगह मिलनी चाहिए ना, भटकी हुई आत्माओं को भी, ठीक है। तो दुनिया में विमेन, चाहे वो मदर हो, चाहे आपकी भाभी हो, बहन हो, बेटियां हो, आप कहीं किससे अफेयर भी रहा हो, तो आप उसको इसलिए मत गाली दो क्योंकि वो आपको छोड़ दिए, समझ रहे। हमारे एक मित्र हैं, बड़े रोते उदास हुए आए एक जमाने में कि भूपेश भाई ऐसा है छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं यार, हमने उनको वसीम बरेलवी का शेर सुनाया कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ भी सोचा नहीं जाता, कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ भी सोचा नहीं जाता, और कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। इसका मतलब समझ रहे हो, 10 साल बाद फिर मिले तो पैचअप करने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे उसे गाली गलौज झगड़ा लड़ाई करने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सब झगड़े मतलब वो, और एक शेर इस पे उनका पाकिस्तानी शायर, उनको कहते हैं कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। ये स्पिरिट होनी चाहिए बच्चा, तो दे डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है तो आप दुनिया की महिलाओं की इज्जत करते हैं, नहीं करते। हाँ, ताड़का चाची की मत इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको इग्नोर करो। तो मैंने तो ये सीख लिया बहुत पहले कि मेरी माई वाइफ वन सेड मी कि जिंदगी में कुछ लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके सम्मान और प्यार की तो बात छोड़ो, जो आपके नफरत के भी काबिल ना हो। तो हमने कहा कैसे कैटेगराइज कैसे करूँगा कि कौन मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है, गुस्से की? क्या आप सब पे गुस्सा नहीं कर सकते? आपके गुस्से के गुस्सा भी उसे भी करो जिसको, जिसकी नज़र में उसकी आपकी कोई वैल्यू हो। हमने कहा यार इतनी ऊंची बात तो मुझे नहीं समझ में आई, तुम मेरे घर में ही यहाँ गार्गी अपाला हैं, मैं बाहर ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा ये बात सही है, तो मैं जब किसी, अगर आप पे गुस्सा करूँ समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं इतने काबिल हैं कि मैं आप पे गुस्सा कर पा रहा हूँ, और आप पे गुस्सा भी नहीं किया इसको समझ लेना कि फिर गुरु से कपट मित्र से चोरी वाली बात है, दोनों ही स्थितियाँ बड़ी खराब है। चलिए ठीक है, आगे की बात करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम मोर एन एंटीक रोमन देन अ डेन, ये वाला जो बता देगा पक्का कल कल कॉफी पिलाऊंगा। कटरा चौराहे पे कल छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, संडे को सारे लोग आओ हमसे मिलो लक्ष्मी चौराहे पे, हम रहेंगे, हमारे एक मित्र हैं वो रहेंगे, दो लोग तो रहेंगे ही, आप भी आइए 10 बजे आइए। अगर जितने लोग आंसर बता देंगे सबको, आई एम अ मोर एन एंटीक रोमन देन अ डेन, दिस इज अ लाइन फ्रॉम विच प्ले, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, हैमलेट। क्या बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फंसाने की जरूरत हो की गई इसमें। ठीक है।
नहीं बता रहे कोरियोलेनस, राज बता रहे ये कोरियोलेनस, कई लोग कोरियोलेनस हैं क्योंकि रोमन है। कोरियोलेनस वाले जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है, होरेशियो कहता है। और होरेशियो आता है कहाँ पर? होरेशियो आता है, ये जो लोग बताए हैं कल आप मुझसे मिल सकते हैं चाय के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी चाय पिलानी पड़ेगी, वो आप टेंशन मत लेना, पेमेंट भी मैं करूँगा एंड आई डू व्हाट आई से, और मैं वो जरूर करता हूँ जो कहता हूँ, आप परेशान मत होइए। होरेशियो कहता है, हैमलेट का फ्रेंड है और एक्ट 5 सीन 2 में कहता है, ठीक है। होरेशियो अवर्स दिस लाइन, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, मे दिस ओनली ब्रिंग्स लॉट ऑफ कलर्स इन योर लाइफ, कलर्स ऑफ लव, कलर्स ऑफ जॉब, कलर्स ऑफ स्टेबिलिटी, कलर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। जिंदगी में कलर्स बांटी, अच्छे कलर्स खुद के लिए, दूसरों के लिए। जिंदगी में कुछ रेज योर सेल्फ फ्रॉम टूडे टू टुमारो, वहां पर थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करो। और दुनिया की नज़र में जरूर गिर जाना, कभी अपनी नज़र में ऐसा काम मत करना कि आपको खुद गिरना पड़े। और जब आप अपनी नज़र में गिर जाओगे ना, और गिर तो जाता है, देखो आप कोई काम गलत करते हो ना, आप खुद को जस्टिफाई जरूर कर पाओगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी, दिस वॉज नॉट गुड। और वो आवाज़ जो है उसके लिए मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम अपने जीवन में उसके लिए। मैंने जब सुना था, मेरे एक प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे लॉन्ग एगो, अभी भी हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो बताया कि एक बार जब उत्तराखंड में DIOs थे तो उनके साथ ऐसी घटना हुई, तो उनको एक गुरु का श्राप लग गया था, एक गुरु का श्राप लग गया, तो और एक बच्चे ने बदतमीजी करी, क्या कैसे हुआ, और ये होता होगा। तो उन्होंने बड़े बड़े उत्तराखंड में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, तो उन्होंने बात किया, तो कहें कि एक पंडित ने बताया कि इसने जो है BA या MA के दौरान कुछ ऐसा किया कि इसको गुरुशाप लग गया है, गुरुदोष लग गया, गुरुशाप नहीं गुरुदोष लग गया है, क्या इसका निवारण? तो उसका निवारण उन्होंने बताया, बड़ा उसका निवारण कुछ इस तरीके का था कि जीवन में आप क्या कहते हैं पौधों, उन्होंने बताया प्लांट्स की सेवा करो, और अपने जीवन में कम से कम 1000 बच्चों को, आप काबिल हैं तब अलग बात है, ना काबिल हो तब भी उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनका लाइफ बदल जाए, आपके जीवन की यही जीवन भर सजा है। 1000 पेड़ लगाइए और 1000 बच्चों के लिए कुछ करिए, ऐसा नहीं दिखावे के लिए नहीं। कुछ कब कर पाएंगे? जब आप खुद कुछ रहेंगे, जब आप खुद ही मतलब अ थीव कैन मेक थीव, अ गुड सिटीजन कैन क्रिएट गुड सिटीजन, अ थीव विल क्रिएट थीव जॉनली। तो कोशिश है कि आप समझ रहे हैं जहां तक मैं कह रहा हूं, नहीं भी समझ रहे हैं तो आपके मंद बुद्धि को और सदबुद्धि दोनों को प्रणाम, धन्यवाद। लेकिन होली आपके जीवन में अच्छी आए, ऐसी ही होली आती रहे। मैं उन लोगों से भी हमदर्दी रखता हूँ जिनकी ये एज लिमिट वाली जो समस्याएं आई हैं, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली, मैं मुझे भी नहीं अच्छा लगा क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, तो मैं शायद आपके दर्द को नहीं फील कर पाऊंगा। बट गॉड नेवर क्लोजेज ऑल द डोर्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, गॉड विल जस्ट गिव समथिंग, एक ऐसा कुछ छोड़ के जाएगा आपके लिए, ये मेरा ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड, एंड वो फेथ के साथ साथ उस फेथ को मेंटेन करना टफ टाइम में ये बड़ा काम होता है। तो ये मेरे लिए निराशाजनक रहा कि आप एक तो वैकेंसी रेगुलर आएगी नहीं, और आएगी तो नियम कानून, अरे जैसा था चलने दो यार, क्या दिक्कत है? किसी के अंदर अगर मान लो परिस्थितियां बनी, वो 59 साल पर देना चाह रहा है टीचर बनने का, तो 59 साल पे देने एक आदमी, या तो ऐसा नियम हटा दो कि 94 साल पे हाई स्कूल कोई पास नहीं करेगा, हाँ 80 साल पे कोई हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देगा, ऐसे आए दिन आपको पेपर मिलता ना 60 साल में हाई स्कूल की परीक्षा पास करी, तो ऐसा बैन लगा दो, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे बस चले तो UPSC से ही एज लिमिट हटा दूँ यार, जिसको जब मन करे तब तैयारी, जब उसके अंदर आ जाए, वो लगे कि अब उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी आ गई है, वो करना चाहता है, मजिस्ट्रेटिव पावर आ गई है, वो पढ़ेगा, हो क्यों नहीं होना चाहिए? एज लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 21 से होना चाहिए, 50 कर दो, 60 कर दो, क्या दिक्कत है? 60 तो रिटायर हो जाएगा मान लो, 50 तो करी दो।